ओम शांति। आज 9 फरवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश न रख, भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्टो मोहा बनो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। प्रश्न ही बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं, किस बात से बाप का तल्लुक नहीं। उत्तर है, बाप बच्चों को शांति धाम सुख धाम चलने का सीधा साधा रास्ता बताते। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो, बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती, दुख वा बीमारी आती, देवाला मारते, यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इनसे बाप का कोई ताल्लुक नहीं। बाप युक्तियां बताते हैं, कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है। दूसरा प्रश्न है, कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते। उत्तर है, फैमिलियरिटी का हल्का नशा है, माया का अंदर कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। गीत है, लौट गया गम का जमाना, ओम शांति। खुशी और गम अभी तो है रावण राज्य, मनुष्य तो जानते नहीं कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि गम कब होता है और खुशी कब होती है। इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है, अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, मर गया तो गम। सन्यासी भी कहते हैं, यहाँ का सुख काग विष्टा के समान है, तो जरूर कहेंगे यह गम की दुनिया है। परंतु उनको यह पता ही नहीं कि सदा सुख जहाँ गम का नाम निशान भी न हो, वह होता ही है सतयुग में। यह तुम बच्चे अभी जानते हो कि बरोबर अभी रात है, रात दुख की होती है, इसको रावण की रात कहा जाता है। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सदा खुशी में रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझा रहे हैं कि बच्चे भविष्य ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो और कोई भी आश नहीं रखनी है। बच्चों को तो यह पता ही नहीं है कि बेहद के बाप से क्या मिलता है। बाप ही आकर बताते हैं, दुनिया यह नहीं शांति कि परमात्मा से क्या मिलता है। समझते हैं दुख सुख वही देता है। बाप कहते हैं, मैं तो सदा सुख देने आता हूँ, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो, मैं तो तुमको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने आया हूँ। उस रास्ते पर चलना तो तुम्हारा काम है, और क्या झंझट सामने आता है, झंझटों में तो सारी दुनिया है। बाप कहते हैं, मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता हूँ, वह तो बहुत सहज है, बाकी जो विपदाएं झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी आदि होती है, देवाला मारते हैं, यह सब है तुम्हारे कर्मों का हिसाब। सो हर एक को भोगना ही है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं तो दुख भोगना पड़ता है। मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूँ, मेरा फरमान है मुझ बाप को याद करो, क्योंकि
वापस जाना है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गवाई। मैं तो सीधा रास्ता बताता हूँ कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। कैसे रहो यह भी युक्तियाँ बताते हैं। बाकी माथा मारना, पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा काम है। यह सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, पवित्र रहना है। बाप जानते हैं स्त्री का पति में, बच्चों में मोह बहुत रहता है। उनसे छुटकारा पाना, नष्टो मोहा बनना, यह तो बच्चों का काम है। बाप तो सिर्फ दो बातें कहते हैं, अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक पवित्र जरूर बनना है और दूसरा योग में रहना है। कोई बात में तुमसे अगर कोई लड़ते हैं तो यह हुआ तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब। बाकी तुम पवित्र रहो, उसके लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। बाप तो रास्ता बताते हैं कि तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है और योग में रहना है। मनुष्य समझते हैं पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी शिक्षा किसी ने कभी नहीं दी है। भल कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहाँ तो कायदा है गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। कुमारी तो पवित्र ही है, उसके लिए तो बहुत सहज है। पवित्र ही रहो, गृहस्थ में न जाओ, इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। तुम कह सकती हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं, इसमें भारत का ही कल्याण है। पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा, यह है वर्षा लेने की बात। सतयुग में थी ही पवित्र दुनिया, संगम पर जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसमें सारी दुनिया का तो प्रश्न नहीं है कि सब कैसे पवित्र बनेंगे। अभी सबकी कयामत का समय है, अब सभी को हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाना है। सब तो आकर ज्ञान लेंगे नहीं, जो सहज राजयोग सीखेंगे वह वर्षा पाएंगे। सारी दुनिया तो क्या, सारा भारत भी यह ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता है। बाकी कोई झगड़ा है वह तो तुम बच्चों को मिटाना है योग बल से। मार उन्हें खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ ममत्व है। नष्टो मोहा नहीं बने हैं, वह ताकत नहीं है। बाबा के पास समाचार आया कि एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए, परंतु रोने से क्या होगा। बाप ने युक्तियाँ तो बहुत बताई हैं। पति को बोलो हम पवित्र रहने चाहती हैं और बाकी सब सर्विस करने के लिए तैयार हैं। युक्ति से अपने को छुड़ा सकती हैं, परंतु पहले अपने दिल का ममत्व टूटना चाहिए। माताओं का पति और बच्चों में बहुत मोह होता है। फिर कहती है कोई छुड़ावे, परंतु इसमें चिल्लाने व रोने की कोई दरकार नहीं। यह समझ की बात है। समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास हैं। बाबा तो कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहकर दिखाओ इस अंतिम जन्म के लिए। तो पति को समझा कर वश करना पड़े, नहीं तो जवाब देना पड़े। परंतु जब नष्टो मोहा बन सके तब, कोई चाहे तो एक सेकंड में नष्टो मोहा हो जाए, नहीं तो जीवन भर भी न हो सके। बहुतों को छोड़ने बाद भी ममत्व नहीं मिटता, फिर रग जाती रहती है, तो वह अवस्था नहीं रहती।
इसलिए बाप कहते हैं पहले नष्टो मोहा हो जाओ, बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे। सबके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है। अगर पवित्र नहीं रहने देते तो अपने पांव पर खड़ी हो कोई न कोई सर्विस में लग जाओ। यहाँ तो साफ दिल चाहिए, ऐसे नहीं घर छोड़कर आए फिर ब्राह्मण कुल में रहे, कोई न कोई से फैमिलियरिटी में फंसी रहे। ऐसे भी बहुत हैं जिनको फैमिलियरिटी का हल्का नशा रहता है, उनकी अवस्था नहीं चढ़ती, सर्विस लायक नहीं बनते, क्योंकि अंदर कीड़ा लगा हुआ है, माया छोड़ती नहीं है। लिखते हैं बाबा बहुत माया की तूफान लगते हैं, तो ज़रूर हल्का नशा आता होगा। यहाँ कमल फूल समान रहना है, मुरझाने की बात नहीं। सबको अपना अपना कर्म बंधन है, तो दवाई भी अपनी अपनी है। कोई कमाई लिए पूछते हैं तो बाबा उनका पोता मेल देख राय देते हैं। कई है जिनका धंधा ऐसा है कि पाप करने बिगर शरीर निर्वाह चल नहीं सकता। आजकल समय ही ऐसा हो गया है, कोई पास बहुत पैसे हैं तो पाप करने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं शांत में बैठ योग की कमाई करो, परंतु काम करने से पहले राय लेनी होती है। ऐसे नहीं काम करने के बाद बोले इस बात में फंस गया हूँ क्या करूँ। बाबा समझाते रहते हैं अगर धन बहुत है तो शांत में बैठ बाबा से वर्षा लो, धंधे धोरी का झंझट छोड़ो, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना जरूरी है, आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। बाप दादा वा सतगुरु की निंदा कराने वाला ऊंच ठोर नहीं पाएगा, अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे ईश्वरीय कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या। बाप कहते हैं किसको दुख मत दो, सवेरे उठ बाबा को याद करो, बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाते हो, हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो बाप समझ जाते हैं इनके अजून पुराने आसुरी संस्कार हैं, यह क्या स्वर्ग का राज्य भाग्य लेंगे। अपनी चलन तो देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया भर में कोई नहीं। बाप तो कहेंगे सगे बच्चे बनो, ऐसी चलन दिखाओ जो बाप भी खुश हो। बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाए, ऊंच पद प्राप्त कराए। बाबा समझाते हैं दिन में भल गोरख धंधा करो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आपने तो कमाल किया है, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप देते हो, हम तो आप पर बलिहार शव, तो बलिहार जाना है, सिर्फ कहना नहीं है, जितना समय याद में रहेंगे उसका असर सारा दिन चलेगा। बहुत बीके हैं जो सुबह को उठते नहीं हैं, तो धारणा भी नहीं होती है, सवेरे जागने की आदत पड़ जाए फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। जिसको सर्विस का शौक है वह कहाँ भी सर्विस करेगा, गाली भी मिलेगी, 100 में तो एक निकलेगा, इसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। सर्विस तो
जहाँ तहाँ ही सिर्फ करने वाला हूँ। बाबा युक्तियाँ तो बताते रहते हैं, नशा होना चाहिए और सभी नशों में ही नुकसान, बिगर नशे नरको नारायण बनाने के, यह नशा बाप चढ़ाते हैं। बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा है नहीं, पति दुनिया और पावन दुनिया का भी किसको पता नहीं है। पति दुनिया में जरूर पतित होंगे, तब जो पावन देवताओं को पूछते हैं। सतयुग त्रेता में तो पावन महाराजा महारानी होकर गए हैं। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं और फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। यह है प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार। तो जबकि बाप स्वयं आते हैं सिखलाने के लिए, तो सीखने की कितनी उत्कंठा होनी चाहिए। कर्म बंधन है, सिर्फ ऐसे कहना, इसको भी कमजोरी कहा जाता है। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियाँ भी बाबा बतलाते रहते हैं, परंतु ऐसी राय पक्के को ही दे सकते हैं, न कि कच्चे को। कई बांधे लिया भी पुरुषार्थ कर, ज्ञान योग बल से पति को वश कर उनको ले आते हैं। मार भी बहुत खाती हैं। कहा जाता है ना, धरत परिये धर्म ना छोड़िए, तो यह भी प्रतिज्ञा की जाती है और उस पर कायम रहना चाहिए, अमल करना चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पद पाए, नहीं, पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है, आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। दूसरी पॉइंट है, सेकंड में नष्टो मोहा बनना है, पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है, हिम्मत रखनी है, ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान है सेवा के क्षेत्र में स्वसेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत भव। सेवा के क्षेत्र में स्वसेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत भव। विश्लेषण है सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्वसेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में बाह्य मुखता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। सेवा की भाग दौड़ में माया बुद्धि की भाग दौड़ करा देती है। आज का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। अच्छा, ओम शांति।